हेलो हाय, महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपके थर्ड सब्जेक्ट्स नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के मैराथन क्लास लेकर आए हैं आज, और इसमें हम फर्स्ट यूनिट के आधे पार्ट्स को ख़त्म करेंगे। पहले देखिए कि आपको फर्स्ट यूनिट में टोटल पढ़ना क्या है। दोस्तों, दो पॉइंट्स हैं, पहला एजुकेशन और फिलोसफी, और दूसरा दोस्तों जो कि शिक्षा दर्शन है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन चार वादों को पढ़ना है, राइट। तो हम ये चार वादों को इस वीडियो में नहीं देखेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे आपके शिक्षा और दर्शन के बारे में। पहले ये देखिए कि सवाल कैसे पूछा जाता है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं, और शिक्षा दर्शन में आपस में संबंध क्या है। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, शिक्षा दर्शन की अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएँ, इसका महत्व क्या होता है, इस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जाता है। आपस में संबंध तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा और दर्शन से आप क्या समझते हैं, इनके संबंधों की व्याख्या करिए। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसकी व्याख्या करिए। तो शिक्षा और दर्शन से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा, कन्फर्म है कि आएगा, आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। कैसे लिखना है, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें इस शिक्षा और दर्शन से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनके उत्तर को जानते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों इस वीडियो को और शिक्षा और दर्शन को समझने की कोशिश। अगर हम इसको लेकर चलते हैं, शिक्षा तथा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस पर प्रकाश डालना है। तो आप सबसे पहले लिखिए, शिक्षा तथा दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसको समझने के लिए शिक्षा तथा दर्शन को दर्शन के बारे में विस्तृत समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले शिक्षा के बारे में समझ जाइए। अगर शिक्षा की परिभाषा लिखता है उसका भी जवाब यहाँ से मिल जाएगा। तो पहले शिक्षा की परिभाषा देखिए क्या होता है। गांधी जी ने कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसका संबंध शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का संबंध किससे है भाई, संबंध शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा से है। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से उनका अभिप्राय है मनुष्य के सर्वांगीण विकास का। एक आपको ये परिभाषा मिल गया आसान शब्दों में। प्लेटो के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है। शिक्षा क्या हो गया, प्रशिक्षण हो गया, जो अच्छी आदतों के द्वारा बालकों में नैतिकता का विकास करे। इस शब्द को आप याद रखिए, आपकी पूरी नॉलेज एंड करिकुलम इसी शब्द से ख़त्म हो जाएगी। क्या, नैतिकता का विकास करे। तो प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा नैतिकता का विकास करे। कौटिल्य के अनुसार शिक्षा मानव को सुयोग्य नागरिक बनाना सिखाती है तथा उसका व्यक्तिगत विकास करती है। अब समझ में आ गई बात, शिक्षा क्या है भाई, मानव को सुयोग्य नागरिक बनाती है। शिक्षा के बारे में और क्या कहा गया, शिक्षा के बारे में कहा गया कि नैतिकता का विकास करती है। शिक्षा के बारे में और कहा गया कि शरीर, मस्तिष्क और आत्मा सर्वांगीण विकास करती है। समझ में आ गई परिभाषा। अर्थ देखिए, उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा ज्ञान, उचित आचरण, तकनीकी दक्षता, विद्या आदि को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं, जो बालक को समाज में रहने वाले विकास की क्षमता की वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसको आप छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है, आप स्वयं लिखिए कि उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो अच्छी आदतों द्वारा मनुष्य में नैतिकता का विकास करता है, मनुष्य को सुयोग्य नागरिक बनाता है और मनुष्य का सर्वांगीण विकास करता है। उपरोक्त परिभाषा द्वारा समझ में आ गई, शिक्षा का अर्थ यहाँ से मिल गया आपको। अब आइए बात करते हैं दर्शन क्या है। शिक्षा के अर्थ और परिभाषा जानने के बाद दर्शन के बारे में समझ जाइए। तो यहाँ पे मैंने कहा आप इन चीज़ों को नोट करना था कि नैतिकता का विकास करना और सुयोग्य नागरिक बनाना, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा ये सीख रहा है कि चोरी कैसे करते हैं, क्या कोई शिक्षक किसी बच्चे को ये सिखाएगा कि चोरी कैसे करते हैं? अगर ये सिखा रहा है तो क्या आप इसको शिक्षा का रूप मानते हैं? अगर किसी बच्चे को ये सिखा रहा है कि किसी की मर्डर कैसे करते हैं तो क्या आप इसको शिक्षा का रूप मानेंगे? क्योंकि शिक्षा तो यहाँ कह रहा है कि बालकों में नैतिकता का विकास, शिक्षा तो यहाँ कह रहा है कि बालकों को सुयोग्य नागरिक। तो अगर कोई इंसान किसी को चोरी करना सिखा रहा है तो क्या आप इसको शिक्षा मानेंगे? आप ज़रूर कहेंगे कि नहीं, ये एक गलत काम है, ये कभी शिक्षा का भाग नहीं हो सकता। चोरी करना आप कहेंगे गलत है, किसी का मर्डर करना आप कहेंगे गलत है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लीजिए वह चोरी किसी डाकू के घर में की जा रही हो और डाकू के घर से चुरा के
किसी गरीब को बांटा जा रहा हो, तो आप कहेंगे कि इस हद तक सही है। अगर मर्डर करना गलत है तो फिर सैनिक आर्मी ऑफिसर्स मर्डर्स गोली क्यों चलाते हैं? फिर यहाँ आप कहेंगे ये दूसरी बात हो गई, और यही दूसरी बात दर्शन कहलाती है। कैसे? दर्शन क्या है समझ जाइए। दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता हो, कहीं सुनी बातों को मान नहीं लेता हो, सत्य और ज्ञान की खोज करता हो कि सत्य क्या है और ज्ञान क्या है। व्यापक अर्थ दर्शन तर्कपूर्ण विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचारों की कला है। दर्शन का मतलब आपकी सोच से है, दर्शन का मतलब आपके दृष्टिकोण से है, दर्शन का मतलब आपकी विचार से है, दर्शन का मतलब आपका उसके परिस्थिति के अनुसार उस आकलन का है कि वह काम क्यों किया गया। दर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलॉसफी। आपने अक्सर सुना होगा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो उसे कहते हैं भाई अपनी फिलॉसफी बंद कर। फिलॉसफी का मतलब होता है, दर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ की यथार्थ के बारे में जानना कि अगर ये बात है तो क्यों है, अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों है। तो जब आप उसकी घनिष्ठता के अंदर जाके उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे वही दर्शन कहलाता है। तो अगर कोई बंदा चोरी कर रहा है तो गलत है, लेकिन अगर चोरी किसी अच्छे का किसी डकैत के घर में चोरी कर रहा है तो यहाँ फिलॉसफी की बात हो गई, यहाँ दर्शन की बात हो गई कि चलो कुछ हद तक ठीक है। तो दर्शन क्या है भाई? तर्कपूर्ण ढंग है सोचने का, यथार्थ का पता लगाने का। यहाँ देखिए, दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता हो। समझ में आ गई बात? अगर वो चोरी किया तो क्यों किया, दार्शनिक इसीलिए कहते हैं। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण विधिपूर्वक एवं क्रमबद्ध विचारों की कला है। समझ आ रही? ओके। इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। परिस्थिति जैसी रहेगी वैसे आपके दर्शन होंगे। नेक्स्ट देखिए, वह ज्ञान जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता हो, अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है, हर एक रीज़न का यथार्थ। देखिए, दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। यथार्थ का मतलब सच्चाई, सच्चाई पता लगाने के लिए दृष्टिकोण है। तो दर्शन की बातें समझ में आ रही है कि नहीं? दार्शनिक व्यक्ति किसको कहते हैं, फिलोसोफर किसको कहते हैं? वो खामोश बैठ के कुछ सोच रहा हो, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मतलब वह सोच, वह दृष्टिकोण, वह विचार, वह नयन जो यथार्थ का परख करे, सच्चाई का पता लगाए, दर्शन कहलाता है। आसान से शब्दों में अर्थ समझ जाइए। अर्थ क्या है भाई? वह ज्ञान जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता हो, दर्शन कहलाता है। दर्शन यथार्थ की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। दर्शन क्या है भाई? सच्चाई की परख के लिए एक दृष्टिकोण है। उम्मीद है आपको दर्शन समझ में आ रही। दर्शन का मतलब फिलॉसफी, सोच, विचार, दृष्टिकोण। आप किताबी भाषा में इसको लिख सकते हैं, दर्शन उस विद्या का नाम है जो सत्य एवं ज्ञान की खोज करता है। व्यापक अर्थ में दर्शन तर्कपूर्ण विधिपूर्वक और क्रमबद्ध विचार की कला है। इसका जन्म अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार होता है। दर्शन की बात समझ में आ गई। शिक्षा और दर्शन में क्या डिफरेंट था भाई? शिक्षा हम किसी को नैतिकता दे रहे हैं, किसी को एक सुयोग्य इंसान बता रहे हैं। दर्शन मतलब आप कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक अलग दृष्टिकोण लेके आ रहे हैं, आप उस पर सोच और विचार कर रहे हैं, इसी का काम दर्शन है। दर्शन की छोटी सी परिभाषा देख लीजिए। R.W. Sellers ने कहा था कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। ठीक है, अगर विज्ञान है तो विज्ञान में क्या है उसी को दर्शन कहते हैं। दर्शन विज्ञानों में विज्ञान है। अरस्तु ने कहा था कि दर्शन एक ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता हो, परम तत्व के सच्चाई स्वरूप की जांच करता हो, ये दर्शन हो गई। अब ये बत्रेंद्र रसल, इसको आप बी रसल लिख लीजिएगा, ठीक है। बत्रेंद्र रसल ने क्या कहा था? अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। समझ में आ गई? सच्ची ज्ञान की प्राप्ति, वजह की प्राप्ति। तो ये दर्शन की परिभाषा हुई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है कि दर्शन और शिक्षा में संबंध क्या है, और यहीं से आपको प्रूफ करना है कि दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। अब आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, शिक्षा और दर्शन में संबंध अटूट है तथा ये दोनों एक ही दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, दोनों एक, अगर मान लीजिए सवाल ये पूछता है शिक्षा तथा दर्शन में संबंध, तो आप इन बिंदुओं को लिखिए कि शिक्षा और दर्शन में संबंध अटूट है तथा ये दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्यों भाई? जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है, दर्शन का आधार मतलब आप किसी यथार्थ का पता लगा रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप उसके बारे में शिक्षा ही नहीं रखते हैं, आप उसके बारे में ज्ञान ही नहीं रखते हैं, तो आप दर्शनिक कैसे बन सकते हैं? तो जो शिक्षा है वो बेस है, उसी के ऊपर आप यथार्थ कर सकते हैं, उसी के ऊपर आप चिंतन और मनन कर सकते हैं।
तो शिक्षा क्या है भाई? दर्शन का आधार है। वही दर्शन शिक्षा का आदर्श है, शिक्षा का आदर्श है। शिक्षा का आदर्श दर्शन क्यों है? क्योंकि हर इंसान अपने आदर्शों को प्राप्त करना चाहता है। आपने सोच विचार से एक लक्ष्य तय किया, उसी को प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा का इस्तेमाल करेंगे। तो दर्शन क्या है? शिक्षा का आदर्श है, समझ आ गई। और शिक्षा क्या है? दर्शन का आधार है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। शिक्षा वास्तव में दर्शन का गतिशील व व्यवहारिक पक्ष है। व्यवहारिक पक्ष, दर्शन तो आपके सोच में रहा, फिलॉसफी तो आपके दिमाग में रही, फिलॉसफी तो आपका दृष्टिकोण है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए शिक्षा उपयोगी होता है। तो शिक्षा वास्तव में क्या है भाई? दर्शन का गतिशील एवं व्यवहारिक पक्ष हो गया। दूसरी बात, शिक्षा वही उपयोग व सार्थक होती है जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर दी जाती है। वही शिक्षा उपयोगी वो सार्थक होगी जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर दी जाएगी, समझ आ गई। एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी इंसान दार्शनिक होता है तो वो शिक्षा के द्वारा ही किसी तथ्यों की जाँच कर पाएगा, किसी तथ्यों की ज्ञान प्राप्त कर पाएगा, समझ आ गई बात। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा प्राप्त करना है, जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। वो लक्ष्य निर्धारित कौन करेगा? मैंने अभी बताया आपको, दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है। आप पहले सोचेंगे, विचारेंगे कि हमें फला चीज़ करना है, हमें फला लक्ष्य पाना है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप शिक्षा का सहारा लेंगे। तो क्या हो गया भाई? दर्शन जीवन के उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है, या जिसे शिक्षा के द्वारा प्राप्त करना है, समझ आ गई बात। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है। ओके, शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या, और इस व्याख्या से हमें शिक्षा के सही संप्रत्यय का ज्ञान होता है। दोस्तों समझ आ गए कैसे शिक्षा और दर्शन एक दूसरे से जुड़े हैं? बिल्कुल विस्तृत से आपको बता दिया गया, नीचे आप लिख दीजिए। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे, एक सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार शिक्षा और दर्शन, दर्शन में गहन संबंध होते हैं और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व नहीं। समझ आ रही बात ना? शिक्षा का मतलब एक अच्छी नैतिकता बनाना, एक अच्छा सुयोग्य आदमी बनाना, एक अच्छा इंसान बनाना, और दर्शन का मतलब हर एक यथार्थ का पता लगाना कि ऐसा है तो क्यों है, हर एक चीज़ का सोचना, विचारना। आप देखते होंगे अक्सर लोग बैठे बैठे कुछ सोचते रहते हैं, ये क्या है भाई? ये दर्शन का एक रूप है, आप किसी चीज़ पर विचार कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ में आई होगी। अब एक मिनट रुक जाइए दोस्तों मान लीजिए आपसे अगर प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो अब देखिए आपको ये चीज़ें बतानी न पड़े। शिक्षा के उद्देश्य में आप स्वयं लिखिए, शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य है शारीरिक विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य है मस्तिष्क का विकास करना, और शिक्षा का उद्देश्य है आत्मा का विकास करना। आप स्वयं इसी परिभाषा से लिखिए कि शिक्षा का उद्देश्य है अच्छी आदतों का निर्माण करना, शिक्षा का उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना, और शिक्षा का उद्देश्य है कि मानव को सुयोग्य नागरिक बनाना, और शिक्षा क्या है भाई? व्यक्तिगत विकास करती है। आप इसी से स्वयं आप शिक्षा के उद्देश्य निकाल सकते हैं, ठीक है, शिक्षा की विशेषता भी निकाल सकते हैं, और शिक्षा के सिद्धांत भी यही होता है कि सर्वांगीण विकास करना और नैतिकता का विकास करना। आप सारे आंसर शिक्षा से संबंधित आसानी से इससे बना सकते हैं। शिक्षा से आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो जानते हैं ना उसी से आप उसके आंसर्स बना सकते हैं। यही बात सेम चीज़ लागू होता है दर्शन के साथ। दर्शन भी क्या है भाई? दर्शन की प्रकृति पूछा जाए तो दर्शन एक विज्ञान है। दर्शन क्या है भाई? यथार्थ सच्चाई को जाँच करने वाली चीज़ है। दर्शन क्या है भाई? दर्शन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य है, समझ आ रही बात। तो आप दर्शन उद्देश्य भी स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। शिक्षा और दर्शन के उद्देश्य लगभग समान है, लगभग एक है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करना, मानवता का निर्माण करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, सर्वांगीण विकास करना, आध्यात्मिक मानसिक और भौतिक विकास करना, हर एक चीज़ का उद्देश्य शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें पूछे वो क्या है? सेम है, समझ आई बात। उम्मीद है आप दर्शन के उद्देश्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, शिक्षा और दर्शन में समानता भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा मैं उम्मीद करता हूँ आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से शिक्षा और दर्शन के बारे में आपने समझा, मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अपने शब्दों में कुछ समझ में आई होगी। अब इससे क्या होगा, जब आप एग्जाम्स में जाएंगे और आपके सामने प्रश्न आएगा तो आप कुछ लिख सकते हैं डेफिनेटली, और अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिए। जो भी आप समझ सकते हैं, जो भी आप लिख सकते हैं आप उसको लिखिए, बहुत ही अच्छे स्कोर्स आएंगे। और कुछ इसी प्रकार से आपको हेडिंग वाइज हेडिंग बना के लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।
कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी बच्चा कमेंट्स में बताता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन चाहिए इंसान को काम करने के लिए। तो मुझे डेफिनेटली आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी ताकि हम और वीडियोज़ को बनाएंगे। बाकी कल के लिए तैयार रहिए, कल सुबह 10 बजे आपको जो सेकेंड वीडियो मिलेगी उस सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके चारों वाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन चारों वादों के बारे में देखेंगे अगले वीडियो में। उसके लिए आप तैयार रहिए। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आई है तो दूसरों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों।